हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन यूपल मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास, शो दैट आर रिलेशन आर इन रियल नंबर डिफाइंड एज रिलेशन ए बी, ए लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिस्टिव बट नॉट सिमेट्रिक। मतलब इस रिलेशन को हमने शो करना है, ये रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिस्टिव है। ठीक है, तो ऐसे शो करने के लिए सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन लिखेंगे। तो रिफ्लेक्सिव हमारे पास क्या होता है, अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यानी ए बिलोंग्स टू आर। तो हमारे पास देखो, अगर हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर, जैसे हमने 1 ले लिया, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1, तो ये तो इक्वल ही होगा। चाहे 2 ले लो, 2 भी लेस देन इक्वल टू, इक्वल का साइन तो आ रहा है, चाहे कि फ्रैक्शन में ले लो, ठीक है, तो ये भी इक्वल का साइन आ रहा है। ठीक है, देखो इक्वल का साइन तो आ रहा है ना, लेस देन ये, लेकिन इक्वल इन्होंने बोला लेस देन इक्वल, तो इक्वल आ रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हेयर ए लेस देन इक्वल टू ए। ठीक है, हेयर ए लेस देन इक्वल टू ए, देयरफॉर ए ए बिलोंग्स टू आर, देन आर इज रिफ्लेक्सिव। तो R हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव है। सेकेंड, अब हमने क्या करना है, सिमेट्रिक नहीं शो करना। पहले सिमेट्रिक की डेफिनेशन लिखते हैं। इफ A B बिलोंग्स टू R, देन बी ए बी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अगर हम यहाँ 1 और 2 ले लेते हैं, A को 1 और B को 2, ठीक है, B को 2 और A को 1। A तो ट्रू है, ए लेस देन इक्वल टू बी, यानी एक ए टू से छोटा है, लेकिन टू तो नहीं एक से छोटा हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ 1 2 बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज 1 लेस देन इक्वल टू 2, बट जो 2 है वो नॉट लेस देन इक्वल टू 1 है। तो इट मीन्स 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो आर हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है। अब हमने चेक करना है ट्रांजिस्टिव। पहले ट्रांजिस्टिव की डेफिनेशन लिखेंगे। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ अगर हम ए और बी की वैल्यू, ए बी सी, ए की 1, बी की 2, सी की 3 ले लेते हैं, तो हमारे पास देखो 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 है, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, 1 लेस देन इक्वल टू 2, और 2 3 भी रिलेशन को बिलोंग करता है, क्योंकि 2 लेस देन इक्वल टू 3 है। ठीक है, और देखो 1 बी लेस देन इक्वल टू 3 है, तो इट मीन्स 1 3 भी रिलेशन को बिलोंग करता है, तो इसलिए आर इज ट्रांजिस्टिव। तो यही तो हमने प्रूव करना था, भी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिस्टिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4th। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पर। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर, मतलब रियल नंबर डिफाइंड आर, ए लेस देन इक्वल टू बी स्केयर, यहाँ बी क्यूब है, ठीक है, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव। ये हमने चेक करना है, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिस्टिव है, चेक करना है। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास रियल नंबर दिया हुआ है, तो रियल नंबर तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो सभी पे ट्राई करेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन लिखेंगे। अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इफ ए ए belongs to R। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास here A less than equal to A cube is not true for all value of A। कैसे, ये कैसे हो गया, देखो अगर हम 2 ले लेते हैं, 2 लेते हैं की वैल्यू, तो 2 तो less than equal to 2 का cube 8 है, ये तो true है,
थ्री में भी ट्रू है, इंटीजर में ट्रू है, ठीक है, नेचुरल नंबर में ट्रू है, लेकिन रियल नंबर में ट्रू नहीं है। लेकिन अगर हम ए की वैल्यू 1/2 ले लेते हैं तो 1/2 का क्यूब तो 1/8 हो गया, तो 1/2 तो 8, 1/8 से बड़ा है, ये 1 के 2 हिस्से हैं, 2 पार्ट है, और ये 1 के 8 पार्ट है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स यानी जो ए है ए लेस देन इक्वल टू ए क्यूब इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, सभी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है। लेकिन अगर यहाँ इंटीजर लिखा होता, यहाँ नेचुरल नंबर लिखा होता तो ये ट्रू था, लेकिन रियल नंबर के लिए ट्रू नहीं है। रियल नंबर में हमारे पास 1/2 भी आ गया, ठीक है, 1/3 भी आ गया, क्योंकि 1/3 भी लेंगे तो 1/3 नॉट लेस देन इक्वल टू 1/27, 1/3 का क्यूब 1/27 हो जाएगा, तो लिखेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो सेकेंड पार्ट सिमेट्रिक, सिमेट्री के लिए चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक फिर डेफिनेशन पहले, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी सी, बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो अगर हम ए और बी की वैल्यू 1 और 2 ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 तो हमारे पास आर को बिलोंग करता है, क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब है, यानी 1 लेस देन इक्वल टू 8 है, बट 2 नॉट लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब, क्योंकि 2 नॉट लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास क्या है, 2 1 नॉट बिलोंग्स टू R, तो R इज नॉट सिमेट्रिक, तो R हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजिस्टिव चेक करने के लिए। ट्रांजिस्टिव के लिए इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर हम जैसे नेचुरल नंबर लेते हैं जहाँ इंटीजर 1 2 3, तो इसके लिए तो ये ट्रू हो जाएगा, 1 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब है, 2 लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब है, और 1 लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब है। लेकिन हमने सभी पे चेक करना है रियल नंबर पे, तो इसके लिए हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3 3/2 और 4/3, कुछ ये नंबर ले लेते हैं। अब देखो जो हमारे पास 3 है, 3 और 3/2 बिलोंग्स टू आर, कैसे, क्योंकि हमारे पास जो 3 है, 3 के 3/2 का क्यूब क्या होता है, 3/2 का क्यूब होता है 3.375, और 4/3 का क्यूब क्या होता है 2.175, ठीक है, और 3 का क्यूब होता है हमारे पास 27। अब देखो जो हमारे पास पहले हमारे पास क्या है, रिलेशन हमारे पास है ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, तो देखो 3 लेस देन इक्वल टू 3/2 का क्यूब 3.375, ये ट्रू तो है, ठीक है, देखो 3 लेस देन इक्वल टू 3.375 ट्रू है। तो अब सेकंड पार्ट चेक करते हैं, 3/2 का रिलेशन 4/3 से, 3/2 का रिलेशन 4/3 से। अब 3/2 कितना होता है 1.5, और 4/3 का क्यूब क्या होता है 2.197, ये भी ट्रू है। देखो 3 छोटा है 3/2 के क्यूब से, और 3/2 छोटा है 4/3 के क्यूब से। अब चेक करते हैं 3 छोटा है, यानी 3 छोटा है 4/3 के क्यूब से, तो देखो 3 और 4/3 का क्यूब क्या है 2.197, ये तो ट्रू नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो ये ट्रू नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, 3 और 4/3 नॉट बिलोंग्स टू R, तो अगर ये R से नहीं बिलोंग करता तो R इज नॉट ट्रांजिस्टिव। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।